हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड्स। पाइथन लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में यूज होने वाले आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स क्या होते हैं, कैसे इनका यूज किया जाता है किसी भी लैंग्वेज के अंदर, आज हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। इनसे पहले हम डिस्कस करेंगे टोकन्स। टोकन्स क्या होते हैं? किसी भी लैंग्वेज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो टोकन्स होती है। छोटे से छोटे यूनिट्स, मतलब हम किसी भी लैंग्वेज में छोटे से छोटा प्रोग्राम लाते हैं, उसके अंदर हम बहुत सारे टोकन्स यूज कर लेते हैं। इसके अंदर आते हैं जैसे कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर, पंचुएटर। अगर हम एक भी कीवर्ड अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं तो वो एक टोकन होगा। ऐसे आइडेंटिफायर जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड दोनों को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आते हैं लिटरल्स। जैसे कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू है अगर हम प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं तो एक टोकन होगी, एक कॉन्स्टेंट एक टोकन। उसके बाद आते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर के साथ भी ऐसा ही है, जैसे मैंने एक ऑपरेटर यूज किया प्लस, तो प्लस एक टोकन हो गया। उसके बाद आता पंचुएटर। पंचुएटर में जैसे हम ब्रैकेट्स यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं, तो ये सब भी टोकन्स के अंदर आते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कीवर्ड्स। कीवर्ड्स पाइथन लैंग्वेज के अंदर कीवर्ड की लिस्ट मैंने यहाँ पे दी हुई है, जैसे फॉल्स, अवेटेड, एल्स, इंपोर्ट, पास, एल्स, एपसी। हम ये रिजर्व वर्ड्स है पाइथन के अंदर। हम इन सेम नाम से कोई आइडेंटिफायर, मीन कोई वेरिएबल नेम, किसी एरे का नेम, किसी फंक्शन का नेम, किसी मॉड्यूल का नेम, हम इसके इनके साथ यूज नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर से नेम से क्लियर हो रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी एंटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। मान लीजिए हमें किसी वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है जिसके अंदर हम एक वैल्यू स्टोर करेंगे। जो वैल्यू स्टोर होगी उसको जो नेम आइडेंटिफाई करेगा कि ये नेम इस वैल्यू को आइडेंटिफाई करेगा या इस टाइप की वैल्यू को आइडेंटिफाई करेगा, तो जो नेम है वो आइडेंटिफायर है। कोई मॉड्यूल है तो मॉड्यूल का जो नेम है वो आइडेंटिफाई कर रहा है कंप्लीट मॉड्यूल को। ऐसा ही फंक्शन के साथ होता है और ऐसा ही क्लास के साथ होता है। इन सब के जो नेम होते हैं वो आइडेंटिफायर्स होते हैं। उसके बाद आइडेंटिफायर्स जैसे किसी भी वेरिएबल नेम्स को या फिर किसी क्लास नेम को, फंक्शन नेम को, किसी मॉड्यूल के नेम को भी हम आइडेंटिफायर बोल सकते हैं। आइडेंटिफायर को लिखने के लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशन है, उनको फॉलो करना किसी भी लैंग्वेज में बहुत ही जरूरी है। तो वो रूल है, सबसे पहला रूल है कि हम किसी भी आइडेंटिफायर को नेम असाइन करने के लिए अल्फाबेट इन लोअर केस एंड अपर केस, उसके बाद डिजिट्स एंड अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। सेकंड रूल है, आइडेंटिफायर को किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। उसके बाद थर्ड रूल है कि हम आइडेंटिफायर का नेम किसी भी कीवर्ड को नहीं ले सकते। जो कीवर्ड की लिस्ट मैंने आपको दिखाई थी ये वाली, तो हम इनमें से किसी भी नेम को आइडेंटिफायर नहीं बना सकते। उसके बाद रूल आता है कि हम कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं उनका यूज हमारे आइडेंटिफायर के अंदर नहीं कर सकते। जैसे
percentage. हम इनका यूज किसी आइडेंटिफायर को लिखने के लिए नहीं कर सकते, और पाइथन के अंदर हम आइडेंटिफायर का नेम किसी भी लेंथ का ले सकते हैं, लेकिन जो अनदर लैंग्वेज है जैसे सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा, इनके अंदर लिमिटेड लेंथ है 255 कैरेक्टर। उसके बाद आता है, अब आता है पाइथन स्टेटमेंट्स। पाइथन स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट हम पाइथन के अंदर यूज करते हैं वो बोले जाते हैं पाइथन स्टेटमेंट। जैसे मैंने किसी वेरिएबल की डेफिनेशन देनी है, एक्स इज इक्वल टू 10, दिस इज अ स्टेटमेंट। उसके बाद इफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट, और भी जो जैसे प्रिंट है, प्रिंट 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 कराने में कोई बात नहीं, प्रिंट एक स्टेटमेंट हो जाएगी, वो कंप्लीट एक स्टेटमेंट हो जाएगी। उसके बाद आता है मल्टी लाइन स्टेटमेंट। अगर मैंने किसी एक ही स्टेटमेंट को मल्टी लाइंस के अंदर यूज करना है तो वहां पे कंसेप्ट यूज होगा मल्टी लाइन स्टेटमेंट। जैसे मैं कोई लिस्ट लेना चाह रहा हूं, मैं इसको नोट पैड के थ्रू बताना, मान लीजिए मैं एक लिस्ट लेना चाह रहा हूं, लिस्ट जिसकी वैल्यू होगी 23, 45, और इसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन में बाकी की जो वैल्यूज है वो नेक्स्ट लाइन में देना चाहूंगा। मान लीजिए टोटल लिस्ट के अंदर मैंने 5 वैल्यू लेनी है, तो 2 यहां पे दे दी, 2 नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में लेना चाहूंगा, 65, 78, और उसके बाद अनदर वन, एक जो लास्ट वाली वैल्यू बच गई वो इससे भी नेक्स्ट लाइन में। मान लीजिए मैंने यहां पे 98 लिया, तो ये होगी किसी भी एक स्टेटमेंट को मल्टी लाइन के अंदर यूज करना, जो कि मल्टी लाइन स्टेटमेंट पाइथन लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद आता है पाइथन आइडेंटिफिकेशन। पाइथन आइडेंटिफिकेशन के अंदर कंसेप्ट आएगा ब्लॉकिंग का, मॉड्यूल का, फंक्शंस का। मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है, सम नाम का कोई फंक्शन है, उसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, जितने भी वैल्यूज हैं, वो एक एडेंटेशन के अंदर यूज होंगी। अगर हम सिक्वेंसली एडेंटेशन नहीं देंगे तो वो ब्लॉक से स्किप हो जाएगी वैल्यू और उसे बाहर चली जाएगी। पाइथन लैंग्वेज के अंदर ब्लॉक को बनाने के लिए हम ब्रैकेट का यूज नहीं कर सकते, यहां पे यूज होता है एडेंटेशन का। मैं नोट पैड के थ्रू एक छोटी सी स्टेटमेंट बताना चाहूंगा। जैसे मेरे पास एक इफ स्टेटमेंट है, कोई इफ स्टेटमेंट है, अगर मैं इसको एक ब्लॉक बनाना चाह रहा हूं तो इसके बाद ये इसका हेड हो गया, इसके इसके थ्रू जो भी कंसेप्ट, इसके अंदर जो भी वैल्यूज आएंगी तो वह एक स्पेसिफिक स्पेस के थ्रू ही आएंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखी, यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखी, यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखी, तो ये एक ब्लॉक बन गया। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू लिख रहा हूँ तो ये इफ के ब्लॉक से बाहर आएगा। तो ये कंसेप्ट आएगा पाइथन आइडेंटिफिकेशन के अंदर। इसके अंदर ब्रैकेट्स का यूज नहीं होता। अगर मैं किसी दूसरी लैंग्वेज में इसका यूज करता तो उसके अंदर कुछ इस तरीके से आता कि इफ स्टेटमेंट, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद जो इसके स्टेटमेंट्स आएंगी वो, उसके बाद ब्रैकेट बंद, तो ये एक ब्लॉक बना दिया। लेकिन पाइथन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, तो पाइथन के अंदर तो हमने एडेंटेशन के थ्रू ब्लॉक बनाए पड़ेंगे। ओके, उसके बाद कंसेप्ट आता है कमेंट्स का। कमेंट्स दो तरीके होते हैं, सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन। सिंगल लाइन के लिए हम सिंपली हैश का यूज करते हैं, सिंपल हैश, हैश। मल्टीपल लाइन के लिए हम यूज करेंगे ट्रिपल कोट, इसको कमेंट बनाएंगे और इसी के साथ इसको बंद करेंगे। या फिर दूसरा तरीका है,
कि हम डबल कोट यूज करें, ट्रिपल ट्रिपल डबल कोट। ये सारा कमेंट के अंदर आएगा। और एक और तरीका है कि हम हर लाइन के आगे हैश लगाएं। जैसे हैश सिंगल लाइन के लिए यूज किया था, तो मैं मल्टीपल लाइन के लिए मल्टीपल हैश का यूज कर सकता हूं। नेक्स्ट लाइन के अंदर सबसे पहले हैश लगाया और कंटेंट लिखा, हैश लगाया और कंटेंट लिखा, तो मैं ऐसे भी मल्टीपल लाइन के लिए यूज कर सकता हूं। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंटेशन इन पाइथन। डॉक्यूमेंटेशन एक कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग होती है जो किसी भी फंक्शन मेथड या क्लास की डेफिनेशन के बाद हम लिखते हैं। इसको लिखने के लिए हम जो कमेंट लिखते हैं ट्रिपल कोट के साथ, ऐसे ही इसको यूज करेंगे। और इसको प्रिंट करने के लिए हम सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट और उसके अंदर जो फंक्शन या क्लास या मेथड जो नेम लिया है उसका नेम, उसके बाद डॉट डबल अंडरस्कोर डॉक डबल अंडरस्कोर। पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन हम कैसे यूज करेंगे वो मैं प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको बताऊंगा।